आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों की, जहां पर बीजेपी एमएलसी ने सीएम को लिखा है पत्र। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को लिखा है पत्र। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपर निजी सचिव भर्ती पर उठाए हैं गंभीर सवाल। अपर निजी सचिव भर्ती की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। भर्ती में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की नहीं मिल रही है मंजूरी। सीबीआई जांच की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग भी की है देवेंद्र प्रताप सिंह ने। देवेंद्र प्रताप सिंह के पत्र से मुख्यमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच गया है। साल 2010 में हुई थी अपर निजी सचिव की भर्तियां। परीक्षा परिणाम 2015 में घोषित किया गया था, ये कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह का, और अंतिम परिणाम 2017 में घोषित किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम में अनियमितताएं और जमकर हुआ था भ्रष्टाचार, ये तमाम आरोप लगाए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह ने। और अविनाश सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। अविनाश, क्या कुछ समस्याएं हैं देवेंद्र प्रताप सिंह की, अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए श्वेता, अपर निजी सचिव की जो भर्ती निकली थी और जो तमाम भर्तियां हुई हैं उसको लेकर सवाल उठाया गया है। और देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ऑफिस में, और उन्होंने मांग की है कि चूंकि इस भर्ती में काफी गड़बड़ियां की गई है, गलत तरीके से भर्ती की गई है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो सीबीआई से जांच कराने की मांग कहेगी। हालांकि देखा जाए श्वेता, तो सीबीआई ने खुद हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था और सीबीआई ने ये मांग की थी कि मिली शिकायतों के आधार पर सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वैसे भी उस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि सरकार के कुछ अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो पूरा मामला है वो प्रकाश में आए और सीबीआई पूरे मामले की जांच करे। हालांकि साफ तौर पर उसमें मांग मुख्यमंत्री से की गई है। देखना यह है कि उस शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की। बिल्कुल अविनाश, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलता है इस पत्र का, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।